वह जी उठा है। ईस्टर की सुबह एक स्वर्गदूत द्वारा बोले गए ये महत्वपूर्ण शब्द अब तक के बोले गए शब्दों में से सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दी गई, परंतु उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। यह एक नए दिन की शुरुआत थी उनके लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईस्टर हम में से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है। आज का यह वचन मती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 6 पद पर आधारित है, जहां इस प्रकार लिखा है, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हर साल हम ईस्टर रविवार को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाने और याद करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। हमारे जीवन में इसका महत्व काफी बड़ा है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत दिन था जब प्रभु यीशु जी उठे थे। यीशु के पुनरुत्थान की सुबह स्वर्गदूत ने मरियम मग्दलीनी और अन्य मरियम से जो उसके साथ थी ये शब्द कहे, वह यहाँ नहीं है क्योंकि वह जी उठा है। वह जी उठा है का अर्थ है कि यीशु मृतकों में से जी उठा था और अब वह स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। इसका मतलब है कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन के अनुसार जो लोग उस पर विश्वास करेंगे उनके पास अनंत जीवन होगा। वह जी उठा है, यह वाक्यांश दुनिया भर के ईसाइयों के लिए गहरा अर्थ रखता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ईसाई धर्म की नींव है और इसे हम हर वर्ष ईस्टर के दौरान मनाते हैं। पुनरुत्थान के बिना यीशु के कार्य अधूरे रह जाते। फरीसियों की मांग पर यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और सूली पर चढ़ाने की सजा दी गई। उनको दो चोरों के बीच एक सूली पर लटका दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद यीशु के शरीर को मलमल के कपड़े में लपेटा गया और एक कब्र में रखा गया था, जिसके मुख पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का हुआ था। फिर 3 दिन रविवार को भोर में गंधरस धारण करने वाली स्त्रियां कब्र पर आईं और उन्होंने उस कब्र को खाली पाया। लुढ़के हुए पत्थर पर प्रभु का एक दूत बैठा था, जिसने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि यीशु जी उठा है। जैसे ही स्त्रियां चेलों को बताने के लिए निकली, यीशु मसीह उनसे मिले। बाइबल का पुराना और नया नियम दोनों ही यीशु के मृत्यु से जीवित होने के सत्य की बात करते हैं। यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले अपने पुनरुत्थान की गवाही दी और उसके शिष्यों ने पुनरुत्थान के बाद यीशु को देखा। अब आइए देखें मती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 1-10 पद में यीशु के पुनरुत्थान के बारे में क्या लिखा है। सप्त के बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मग्दलीनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आई, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था। इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे। वे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हूँ। तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को खोज रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वह यहाँ नहीं है, जैसा कि उसने कहा था, वह मृत्यु के बाद
फिर जला दिया गया है। आओ उस स्थान को देखो जहां वह लेटा था, और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो वह मरे हुओं में से जला दिया गया है, और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है, तुम उसे वहीं देखोगे। जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखो। उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया, वे भय और आनंद से भर उठी थी। फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए वे दौड़ पड़ी। अचानक यीशु उनसे मिला और बोला, अरे तुम। वे उसके पास आईं, उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे शिष्यों के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाएं, वहीं वे मुझे देखेंगे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि पाप का अंत बुरा ही होता है, और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, जिसके लिए हम सब दंड का भुगतान करने के योग्य हैं। दंड केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि ऐसा है जिससे हमारी आत्मा हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया, और उसने परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से हमारे सभी पापों पर विजय प्राप्त की, पृथ्वी पर पूरी तरह से निर्दोष और शुद्ध जीवन जिया, और फिर यीशु को कलवरी पर क्रूस पर चढ़ाया गया। वह एक निर्दोष व्यक्ति था जो मारा गया था, और वो ही पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मृत्यु के योग्य नहीं था, परंतु तब भी उसे मृत्यु मिली ताकि हम सबों के पाप क्षमा किए जाएं, और यही परमेश्वर पिता की इच्छा भी थी। उसने हम सबके सभी पापों सहित पूरे संसार के पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, और पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को हमसे दूर कर दिया। यह बात हमें स्मरण रखनी चाहिए कि यीशु को कभी भी हमारे किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करना पड़ा, बल्कि उसकी मृत्यु हमारे पापों के कारण हमें प्रायश्चित दिलाने के लिए हुई। इसका मतलब यह है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे भी सारे पाप माफ हो जाएंगे। तो गुड फ्राइडे के दिन हम सबको ये अनुग्रह प्राप्त हुआ, परंतु शायद इसके हकदार हम कभी थे नहीं, और ना ही हम कभी भी इसका भुगतान कर पाएंगे। भजन संहिता के 107वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, उसके प्रेम के लिए यहोवा का धन्यवाद करो, उसके वे अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करो जिन्हें वह लोगों के लिए करता है। इफिसियों के 5वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। पहला तिस्लुनीकियों के 5वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। उसने जो हम सब के लिए किया वो धन्यवाद और आदर के योग्य है। ये गुड फ्राइडे और ईस्टर धन्यवाद का दिन है, और इसमें हम सबों को प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हम सब के पापों के लिए अपनी जान दी, और हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि उसने जो हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि यीशु के जीवन में पाप नहीं था, पर पाप ही के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। किसके पाप के लिए? हम सब के पाप के कारण वो क्रूस पर चढ़ गया, और क्योंकि उसके जीवन में पाप नहीं था तो मृत्यु भी उसे रोक न सकी। यहाँ यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ की ओर विराजमान है। यीशु का विशाल बलिदान न केवल उसका सूली पर चढ़ना था, बल्कि पिता की इच्छा को पूरा करना था। यीशु का पृथ्वी पर आना सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं था, बल्कि उससे बढ़कर वो हम सब के लिए एक मार्ग तैयार करना चाहता था, ताकि हम उसका अनुसरण करके उसके पद चिन्हों पर चलें। कलवरी पर क्रूस पर चढ़ाए जाने से बहुत पहले यीशु ने कहा था,
मती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 24वें पद में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को भुलाकर अपना क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम कलवरी के क्रूस पर यीशु का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन हम इस दैनिक क्रूस का उपयोग करके पाप के ऊपर मृत्यु तक उसका अनुसरण कर सकते हैं, जो हमेशा हमारे शरीर में प्रभु यीशु की मृत्यु को लिए रहता है। यीशु के पुनरुत्थान का अर्थ है कि यीशु ने पाप पर विजय प्राप्त कर ली है और उसकी योजना सफल हो गई है। शैतान की हार हुई और अब हम मनुष्यों के लिए यीशु के पद चिन्हों पर चलना आसान और संभव है, और अब हमारे पास अनंत जीवन की आशा है जो हमें यीशु का अनुसरण करने और उसके दिखाए मार्गों पर चलने पर ही प्राप्त हो सकती है। पवित्र बाइबल ही ऐसी पुस्तक है जिससे हमें परमेश्वर ने हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ज्ञान दिया है। परमेश्वर की ये पुस्तक हमें राह दिखाती है जो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है। मैं आशा करती हूँ कि आप उसके वचनों को पढ़ेंगे और उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। वो जल्द ही वापस आने वाला है, जैसा कि इब्रानियों का 9वां अध्याय का 28वां पद हमें बताता है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके द्वारा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो इस बार वो उनके लिए ही आएगा जिनको उसका इंतजार है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी मनुष्य तक पहुँचे और वो इससे लाभ पाए। पुनरुत्थान दिवस को खुशी के साथ मनाएं। आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू। जय मसीह की।